तो ये देखिए बैंगन और पनीर की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी बैंगन और पनीर की सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने दो बैंगन लिया है, ये वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास है, 150 से 200 ग्राम के आसपास। ऐसे हम धो के हमने अच्छे से इसे काट लिया है। आप इसका शेप जिस प्रकार से रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसका शेप लंबा लंबा रखा है। तो हमने सारे बैंगन को इस प्रकार से काट लिया है और इसमें हम एक प्याज डालेंगे। तो एक मीडियम साइज का हम प्याज लेंगे और उसे दो भागों में काट कर कुछ इस प्रकार का शेप बनाएंगे। तो आप जो है जैसे जैसे प्याज को काट सकते हैं। उसके बाद हमने दो से तीन हरी मिर्च लिया है, उसे दो भागों में काट लिया है और ये हमारा लगभग 250 ग्राम के आसपास पनीर है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसमें हम तेल डालेंगे, तेल हमने दो बड़े चम्मच के आसपास इस्तेमाल किया है और 1/4 चम्मच के आसपास जीरा, खड़ा जीरा डाला है हमने। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे मीडियम टू लो पे पकाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें बैंगन भी डालेंगे ताकि हमारा अच्छे से बैंगन भी फ्राई हो सके और अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इसे चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पे फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे ढक देंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा ढकने के बाद कुछ इस प्रकार से पका है। इसे एक बार और हम ढकेंगे ताकि अच्छे से हमारा बैंगन पक जाए। तो ये देखिए आप इसे बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही पकाएंगे, ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर हमारा बैंगन जल जाएगा। तो इस समय हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें, इसमें टेस्ट कम ज़्यादा जैसा खाते हैं। और इसे बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम बनाएंगे, जो कि आपका डेली यूज का जो मसाले होते हैं घर में, उस मसाले से आप इस प्रकार की सब्जी बना सकते हैं अपने घर में। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियाँ, जीरा मरीच आधी चम्मच के आसपास और इसमें धनिया पाउडर आधी चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच से थोड़ी सी कम, आपको तीखा जैसा पसंद हो आप इसमें ऐड करें। सारे मसालों को हमने एक साथ मिला लिया है और यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है इसमें थोड़ी सी कलर आने के लिए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपके घर में नहीं भी हो तो आप बना सकते हैं। और मसाले को फिर से हम 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा मसाला लगभग भून चुका है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें पानी। पानी हमने लगभग 1 कटोरी के आसपास ऐड किया है। आपको इसकी ग्रेवी जैसी रखनी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर फ्रेंड्स फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी ऊपर से एक लेयर बन गई है और ये घर का फ्रेश पनीर है। तो इस प्रकार से आप इस सब्जी को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बिल्कुल घर के मसालों से। तो इसे हम ढक के पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक। तो ये देखिए हमारा, ये फाइनली हमारा बैंगन और पनीर की सब्जी बन चुका है। और इसे सेट होने के लिए इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि इसे बंद करने के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो इसका ग्रेवी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, सेट हो जाएगी अच्छे से। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म बैंगन और पनीर की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है, बिल्कुल आसान और घर के मसालों से, जो कि आप सब लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं इसे आसानी से, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे घर के मसाले का हमने प्रयोग किया यहाँ पे। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।